हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। और आज की जो वीडियो है ये एक बहुत डिमांडिंग वीडियो थी। आप सब कह रहे थे कि आप जानना चाह रहे हैं कि टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, कि किस टॉपिक में से कितना ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर 15, 16 और 18 का जो पेपर था उसके बेसिस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन जो रहा है मार्क्स का ये बनाया है आपका। मैं आपको बता देती हूँ, आप इससे थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन आपको कैसी रखनी है, क्या टॉपिक ज़्यादा आपको ध्यान देना है क्या कम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मैथ्स को। तो मैथ्स में देखिए, आपका प्रोबेबिलिटी में से पहले क्वेश्चन आया है एक आध ऐसी छोटा मोटा कुछ, लेकिन 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। फंक्शंस और सेट में से स्पेशली सेट्स में से क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर। एक क्वेश्चन फंक्शंस में से आया था लास्ट ईयर, तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन थे 2018 में। और पहले इसका ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज आता था लेकिन अब इसका कम हो गया है। डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी आपका कोई एक क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या होता है कि आपका डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि सिर्फ आपको डी बाई डी एक्स करके कुछ दे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। अब आपके क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूरा सॉल्व करना होता है, होमोजीनियस है या नहीं है, फिर वो एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं बन रहा है, कंडीशंस चेक करना। तो अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और लास्ट ईयर तो 2018 में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, करीब 7 क्वेश्चन आए थे। फिर आपके सीरीज के क्वेश्चन सब आते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये आपका बीटेक के या बीएससी लेवल का जो आपका होता है मैथ उसमें आता है आपका ये वाला सिलेबस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का। जैसे आपकी हो गई एक टेलर सीरीज आती है, गॉसियन सीरीज आती है, तो आपकी सारी सीरीज जो आती हैं इनके बेसिस पे आपको कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है वो बताना होता है। इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब आपको जो 5-6 सीरीज हैं आपकी टोटल, उनमें से आपको 2 सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था कोई सा भी, तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक एक्सटेंशन इज नॉर्मल एल्जेब्रा का कोई क्वेश्चन दे दिया उसको आपको सॉल्व करना है, ये कोई बहुत टफ नहीं रहता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सिमिलरली क्वेश्चन कोई टफ नहीं होगा, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से आपको रूट पूछा था कि इसका क्या रूट कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। फिर मैट्रिक्स में से भी आपके 3 क्वेश्चन आए थे इस बार, और मैट्रिक्स के क्या थे, 2 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे कि वो डायगनल है या नहीं है, स्क्यू मैट्रिक्स वगैरह। फिर 1-2 क्वेश्चन था जिसमें आपका वो रेंज पूछ लिया गया था, डिटर्मिनेंट निकालना पूछ लिया गया था, तो वो हाँ थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो उसके लिए तो हम पढ़ेंगे ही क्लास में। एंड देन उसके बाद आपका वेक्टर अलजेब्रा में से क्वेश्चन आया था जो 2015 में आया था, लेकिन 16 में और 18 में वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आया है। फिर रेसिडुअल कैलकुलस में से क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड करके आपके काउंट कर लिए हैं, और ये जो आपका कॉचीज मेथड वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने यहीं काउंट कर लिए हैं। तो ये करीब करीब 5 क्वेश्चंस थे आपके, जिसमें 1-2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द टॉपिक भी है लेकिन थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, तो वो भी इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। एग्जैक्ट रेसिड्यू वाले के 5-5 क्वेश्चन नहीं है, 2-3 उसमें से होंगे और 2-3 थोड़े रिलेटेड टॉपिक में से हैं। फिर डाटा सफिशेंसी का इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि डाटा सफिशेंसी जो है ना ये जो टॉपिक है आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल एबिलिटी में चला जाता है, तो स्पेशली इसमें नहीं पूछा जाता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी जो है ना ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में अब चला जाता है, तो इधर नहीं पूछा जाता है वो पेपर आपका मैथ्स में। बीएससी बीटेक लेवल में आपका प्रोबेबिलिटी और डाटा सफिशेंसी नहीं पूछा जाता है। ये न्यूमेरिकल मेथड है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये नहीं पढ़ा हो, मेरे साथ भी ये जो था बीटेक में एज अ सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ एक ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता था। लेकिन हाँ, अगर आप कोई स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता होगा, ग्रेजुएशन बेस्ड ग्रेजुएशन का सिलेबस आता होगा, तो वहाँ इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में से। इसके बहुत से आपको है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, गॉसियन मेथड है, एंड आपका कूटारंगा मेथड है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, ये आपको आने चाहिए इसके न्यूमेरिकल मेथड के, तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगी। इसके टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस 1-2 आपकी फॉर्मूला और सीरीज रहती हैं, बस वो याद करना होता है। इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन थे, एक रेंज वाले भी थे, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए भी थे, कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी थे। 3 क्वेश्चन थे, इजी मॉडरेट और टफ तीनों टाइप का था इंटीग्रेशन से। एंड मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन आपके, मिसलेनियस में आपके रहे होंगे एक बहुत बेसिक अलजेब्रा की इक्वेशन कुछ देरी सॉल्व करने के लिए, उस टाइप का कुछ रहा होगा। तो ऐसे 3 मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस आए थे डिफरेंशियल इक्वेशंस में से, मतलब मैं आपको बोलूँगी आपका जो मैथ्स का मेन पेपर जो बनता है ना वो आपका कैलकुलस पोर्शन से बनता है, कैलकुलस पोर्शन से। अब कैलकुलस में आपकी 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे एक हो गया आपका डिफरेंशिएशन, एक हो गया आपका इंटीग्रेशन, फिर हो गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर ये एक आपका ये वाला रेसिडुअल कैलकुलस वाला जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया।
इसके अलावा ये आप एक टॉपिक पूरा आप कैलकुलस कवर करेंगे तो आपके करीब करीब 12-15 नंबर का कवर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला है, ये बहुत टफ नहीं होता है, इजी होता है, बहुत इजीली कवर भी हो जाता है और 3-4 मार्क्स का इसमें से आता भी है। फिर बाकी बचते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, एक हाँ ये सीरीज वाला टॉपिक भी, इसमें से भी 2 या 3 सीरीज से रिलेटेड पूछ ही लेते हैं। तो ये आप मेन आपको बेसिकली करना पड़ेगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका कैलकुलस रहने वाला है और ये सबसे ज़्यादा लेंदी भी होगा, टाइम टेकिंग भी होगा, बाकी सब तो ईजी है, ईजीली हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा पूरा मैथ्स का जो एनालिसिस था वो है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, इस पूरी पीडीएफ को, इस पूरे पीपीटी को आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट लिंक। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है हम उस पर चलते हैं, ये फिजिक्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स का। तो 15, 16 और 18 इसमें क्या था, आप एक सेकेंड, 2015, 16 और 18 मैंने तीनों पेपर आपको दिए हैं। 15 और 16 का मैं ज़्यादा नहीं आपको बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आया क्या नहीं आया। 18 के बेसिस पे हम जज करते हैं, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता है और जो आपका अब लेटेस्ट बनेगा 2020 वाला, ये आपका सिमिलर होगा 2018 वाले के। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन 2018 में नहीं आया, सच कोई मेजर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट उठा के कोई यूनिट पूछ लियो, ऐसा कुछ नहीं आया। 15 में भी क्या एक क्वेश्चन आया था कि आपका वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड आया था, कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है या कौन सी ये वेक्टर है, एरिया उसका ऑप्शन में दे रखा था, और एक पेपर में टॉर्क ऑप्शन में दे रखा था जो करेक्ट ऑप्शन थे। 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं था। हीट एंड डायनेमिक्स में 15 में भी था क्वेश्चन, 16 में भी था, और ज़्यादातर किस पे आया था, वो क्यूरी वेस लॉ जो होता है आपका, थीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में टी माइनस करके समथिंग, इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड, क्यूरी वेस लो पे आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आए थे, जो 2018 में अगेन नहीं आया आपके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रिलेटेड पूरा करंट निकालना और सोलेनॉइड, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये इसमें से 4 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से बन जाते हैं, इजीली बन गए थे। मोशन इन 1D एंड 2D में से आपका 15, 16 दोनों में आया था। 15 में तो बहुत बेसिक से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से आ गया था। 16 में एक पेपर की एक शिफ्ट में शायद आपका टाइम्स ऑफ लाइट जो मोशन इन 2D है उसमें से आ गया था, और 15 में मोशन इन 1D से आया था। 2018 में इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया था मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, इस टॉपिक को हम जरूर कवर करेंगे। फिर फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें से आपका जो गेट्स होते हैं इसमें ये सब आ जाता है, गेट्स के बारे में आ जाएगा, या कोई छोटे मोटे डिवाइसेस के बारे में पूछ लेगा, तो वो सब आपका सेमीकंडक्टर में आ जाता है। ये भी कोई टफ नहीं है टॉपिक, सेमीकंडक्टर बहुत इजी टॉपिक होता है। फिर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में से तो एक आदि क्वेश्चन आया होगा, ये जो वेव्स है ना इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपका मैंने इस वेव्स में ना मैंने आपको सारी वेव्स वाले सब क्वेश्चन डाल दिए थे, जो डी ब्रॉगली वेव्स इक्वेशंस के थे, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं, वेव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे, और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वेव से रिलेटेड। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, और वो हर साल इंपॉर्टेंट रहा है, वो 4-4 और इस बार 10 हो गया है। लेकिन इस न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने आपके वो सब छोटी छोटी चीज़ें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी थी वो इंक्लूड कर ली है। फिर आपके ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करते थे, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये इसमें इंक्लूडेड है। डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशंस तो इधर ही इंक्लूड कर दी थी, लेकिन ड्यूअल नेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके इसमें इंक्लूड हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, तो ये हम सब पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन कोई था नहीं डायरेक्टली, अगर कुछ इंटर रिलेटेड टाइप्स कुछ क्वेश्चन होगा तो ये जो ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाला टॉपिक है इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप ये समझिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे, तो ये पूरा एक टॉपिक मिला के आपके करीब करीब बन जाते हैं 7-8 क्वेश्चन। न्यूक्लियर मतलब आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, उनकी मास, उनका एनर्जी, ड्यूअल नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये सब आपके मिला के करीब करीब 10 क्वेश्चन का बन जाता था, तो 20 क्वेश्चन तो आपके इसी में से ही हो गए। फिर एक आपके डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में से, इसका क्वेश्चन हर बार आता है, तीनों साल में मैंने उस क्वेश्चन को नोटिस किया है, डॉपलर इफेक्ट का सीधा फॉर्मूला लगाना होता है।
तो उसके क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, डॉपलर इफेक्ट वाला, फिर एक शुगर सॉल्यूशन करके क्वेश्चन आता था आता है वो वाला क्वेश्चन, और इस तरह के सब आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में। एंड सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स में आपका कुछ बहुत मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चन चला जाता है इसमें। सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स में कुछ आपसे कोई एक इक्विपमेंट पूछ लिया कि इसका आपका क्या रेजिस्टेंस रहेगा या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन। तो अब ये ना सारा सिलेबस आपका इन चार पांच टॉपिक में कवर करवाने का रीजन ये है कि अब आप स्पेसिफिकली एक चैप्टर का एक टॉपिक उठा के नहीं दे सकते ना, क्योंकि अगले साल हो सकता है उस टॉपिक से ना ही किसी और से आए। तो ऐसे तो आपको पूरी फिजिक्स का एक 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 चैप्टर सब लिखना पड़ जाएगा, एक एक टॉपिक लिखना पड़ जाएगा। तो मोटा मोटा इनमें से आता है करीब करीब इतना इतना रहता है। इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको क्या क्या छोड़ना है। आपको ऑप्टिक्स में से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने ना आपका ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड किया है, जो आपके ये न्यूटन रिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, न्यूटन रिंग वाले, और एक जो और रहते हैं वाले फ्रिंजेस वाले, फ्रिंजेस एंड फ्रिंज वेव निकालने वाले। तो ये दोनों भी मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में इंक्लूड किए हैं। ये बेसिकली ऑप्टिक्स के पोर्शन में आता है, लेकिन ये प्रॉपर ऑप्टिक्स के जो आपके रेज वाले क्वेश्चन है ना उनमें नहीं कवर करता है, थोड़ा आउटसाइड फील्ड में रहता है। तो ये मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में डाल दिया है। बेसिकली यही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो इसके रहे होंगे और दो तीन ये फ्रिंजेस वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका है फिजिक्स का सिलेबस। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैथ्स, तो हो गया फिजिक्स, एंड नाउ अपना इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में क्या है, देखिए 15 और 16 में आपके जो क्वेश्चंस के फॉर्म पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक्स के पोर्शन में, वो इतने ज्यादा नहीं पूछे गए थे और वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। 2018 में क्या हुआ कि आपके ज्यादातर क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा गया था। इसमें आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इंक्लूड था, और आपके मेन क्या इंक्लूड था, आपके प्रीपोजिशंस, जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं ना। कितने पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने पार्ट ऑफ स्पीच है, ये मैं बताऊंगी आपको बाद में। जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, जो टेंसेज वाले क्वेश्चन हैं, आपको सेंटेंस बनाने होते हैं, बहुत बेसिक लेवल की जो ग्रामर है ना उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिए हुए थे, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा ग्रामर पोर्शन कवर करवा लिया था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। तो 10 क्वेश्चन करीब करीब ऐसे बन गए थे। फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन भी थे, इनके मिला के 3-4 क्वेश्चन रहे होंगे। तो आपको सिर्फ एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। तो 4 क्वेश्चन तो ये इस तरह के थे ही, 2 इसमें से थे 2 इसमें से थे। 2018 के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो, और अगर प्रीवियस ईयर की बात करूँ मैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, वो कहीं सेंटेंस ये अरेंजमेंट में डाल के आपको पूछ लिया गया था। लेकिन यहाँ मैंने 2018 का जब मैंने पेपर एनालिसिस किया है, तब मैंने इसमें आपको एक्टिव पैसिव वगैरह और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक जगह इंक्लूड कर दिया, इसीलिए ताकि वो आपका पूरा एक इकट्ठा बन जाएगा कि अच्छा आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो साथ में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है एक सेट में ये पूछ लें और एक सेट में ये पूछ लें। तो अब ये देखिए, अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक इंग्लिश का ग्रामर कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट डायरेक्ट बन जाते हैं, बल्कि 10 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सिर्फ आपके थोड़े से इसमें रूल्स हैं, वो रूल्स आप याद, एक रूल्स याद नहीं करना है, बस कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि वो क्या कैसे सॉल्व हो रहे हैं आपके, और उस बेसिस पे आप कर लेंगे। तो ये आपके 5 क्वेश्चन ये वाले हो जाते हैं इसमें से एक्टिव पैसिव में से। उसके बाद आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो इधर ही इंक्लूड हो गया, अलग से मैंने उसको नहीं दिया। आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैंने आपको बताया, ज्यादातर चीजें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ली गई थी, कुछ अगर ऐसे इनको चेंज करके पूछना था तो। फिर 2 क्वेश्चन डायरेक्टली सिनोनिम्स में थे, एक था कि इसमें से कौन सा सिनोनिम्स नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक में डायरेक्टली सिनोनिम्स पूछा था, ऐसी एंटोनिम्स का भी था, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन का भी एक क्वेश्चन आया था इस बार। पहले ये 3-3 दे रखे हैं, वो पूछने का फॉर्मेट बदल जाता है बस कि किस तरह से, इस बार वो फिलअप में पूछ लिए थे ज़्यादातर, और एक क्वेश्चन एक सिंपल अलग से पूछा गया था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, लेकिन वो फिलअप में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बार नहीं था 2018 वाले पेपर में, स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन था आपका 2018 के पेपर में। बेसिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आपका इंग्लिश में वो कवर कर रहा था, एक तो बेसिक ग्रामर आपकी, बिल्कुल बेसिक ग्रामर जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है ना ये आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से करीब करीब इसने 10-12 कवर किया था। और मैंने इस बार जितने भी पेपर देखे हैं, चाहे वो जो DMRC का पेपर हुआ था उसकी बात आप कर लीजिए,
या कोई और पेपर जहाँ पर भी इंग्लिश आई है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पार्ट ऑफ स्पीच वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं, और 7-8 क्वेश्चन तो रहते हैं, डिपेंड्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं इंग्लिश में उसके बेसिस पे। कहीं 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के, अगर कहीं 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन इसमें से बहुत ईजिली मिल जाएंगे, बहुत बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ बहुत ही मतलब अगर आपने इसके थोड़ी सी एक्सरसाइज करी है इन क्वेश्चंस की सॉल्व करें तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेते हैं, और इसके मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। तो इंग्लिश के 20 नंबर के पेपर में समझिए 15 तो आपके पूरे पूरे हैं। फिर बाकी ठीक है, यहाँ पर आपका लक मैटर करता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है सिनोनिम्स एंटोनिम्स और स्पेलिंग में, आपकी स्पेलिंग की राइटिंग कितनी अच्छी है। अब ये फेस सब्स्टिट्यूशन आ जाए चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर वोकैबुलरी। मगर ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं भी है लेकिन और अगर आप ग्रामर के कुछ रूल्स आप समझ लेते हैं तो आप ये 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस, अब हम चलते हैं अगले पे। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ ऐसा टफ सा नहीं है, इसमें सिर्फ आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है, आपका 10th लेवल तक का मैथ्स आता है। ओके, 10th लेवल तक का मैथ्स बहुत इजी होता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हम पेपर में करने बैठते हैं ना तब पता लग जाता है कि वो कितना टफ होता है। और टफ होने से भी ज़्यादा क्या है कि वो उसमें आपका 10th लेवल तक का मैथ्स रहता है, टफ होता है, और उसमें ना आपका टाइम बहुत मैटर करता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व किया है। तो आपका अगर मैं 2018 की बात करूं तो आप देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ना हमेशा इन्हीं टॉपिक से आते हैं, आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये आपके बहुत हॉट टॉपिक रहते हैं, ये 3 टॉपिक जो है इसमें से भी आप ये 2 मानिए, CISI में से शायद 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता है, मेन जो बनता है ना पेपर का 5-6 क्वेश्चंस वो इसमें से बनता है। सोचिए अगर आपका 15 क्वेश्चंस आने और 15 क्वेश्चंस में से 8 या 9 क्वेश्चन आपके इसी में से ही आते हैं, ये 7-8 क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका 50% से ज़्यादा तो यहीं पर बन जाता है। फिर आपका एवरेज एंड रेशियो प्रपोर्शन, आपका 3rd नंबर पर इसमें से क्वेश्चन रहता है आपका एवरेज में से या रेशियो प्रपोर्शन में से। फिर एक एक क्वेश्चन आपका रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो टाइम एंड वर्क पर जाए, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस पर जाता है, कभी APGP पे जाता है, बोट एंड स्ट्रीम पे चला जाता है, टाइम एंड वर्क पे चला जाता है, वो आपका बहुत रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कभी हाइट एंड डिस्टेंस में आ सकता है। मतलब आपकी ये मानिए 7-8 क्वेश्चन तो आपके इन 4 टॉपिक से फिक्स है, 7-8 क्वेश्चन तो ठीक है। उसके बाद आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपके एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन से फिक्स हैं, तो 15 में से मान लीजिए आपके 10 से या 11-12 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं कि ये इन्हीं टॉपिक से आते हैं, बचते हैं 4 क्वेश्चन तो वो आपके रैंडमली कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, एक क्वेश्चन करके। तो इसमें क्या है ना, अगर आप ये वाली चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आपका टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस ही अपना आप कवर हो जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है APGP और आपका हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और ये नंबर सिस्टम वगैरह का अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये इतना टफ नहीं होता है कि आप कर ना सकें। सिंप्लीफिकेशन एक आपको इक्वेशन सी दी जाती है, बस उसको सॉल्व करना होता है, हार्डली कोई डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप पूछते हैं या LCM और SCF बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे, पर मेन हम वो टारगेट करेंगे जिससे हमें सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिससे हमें 11 नंबर मिलने वाले हैं, 4 नंबर के लिए फाइट हम बाद में पढ़ेंगे। एक बड़ा टॉपिक पढ़ के ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक कवर करें और पता चले उनमें से कोई एक क्वेश्चन आया। अब ऐसा हो सकता है टाइम एंड वर्क के वो 3 क्वेश्चन दे दे और बाकी टॉपिक से पूछे ही नहीं, तो इसीलिए इस बेनिफिशियल की हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI ऐसे टॉपिक ज़्यादा करें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये सिर्फ एयरपोर्ट वाले एग्जाम की बात नहीं है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए पिछले 2-3 साल में जो हुए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये वाले सिंप्लीफिकेशन और ये सब का तो LCM SCF से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी इन्हीं पे ही बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ये है यहाँ तक का डिस्कशन, इसके बाद हमारा ना एक टॉपिक और बचता है, खाली पेज मिले, हाँ याद आता हूँ, एक टॉपिक और बचता है हमारा, वो है एक टॉपिक और बचता है वो है हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्या है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है,
इसमें आपका फिगर्स भी आता है, फिगर काउंटिंग भी आता है, फिगर्स में से आपको कितने ट्रायंगल है कितने रेक्टेंगल है, फिर सीरीज भी आती है, कोडिंग भी आती है, ब्लड रिलेशन भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें से हर टॉपिक में से एक 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 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जब हम कवर करेंगे जब टॉपिक, तभी हम देख लेंगे कि कितना हमें कितना यूजफुल किसमें से कितना करना है, या जैसा भी हमारे पास टाइम होगा हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन ये इजी होते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी आप एग्जाम में इसमें से 15 में से 10+ तो 100% कर कर आएंगे इसमें 100%। अगर आप ये सब फिजिक्स मैथ्स इस लेवल का आप डेवलप कर लेंगे ना, जो आपका AIP के पेपर में आता है, तो आप इसमें से 15 में से 10+ तो 100% करके आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंसी के ऊपर। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का या बीटेक लेवल का फिजिक्स एंड मैथ्स कर पा रहे हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चंस करना कोई टफ नहीं है, आप बहुत इजीली कर लेंगे। एंड उसके अलावा आपका एक रहता है करंट अफेयर का पोर्शन, तो वो मैंने आपको बताया था कि मैं करंट अफेयर की क्लासेस नहीं अभी ले रही हूँ, मैंने शुरू की थी फिर मैंने इसीलिए छोड़ दिया, वो यूजफुल नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी स्टैटिक एंड रैंडम से फिक्स आते हैं, वो लास्ट में आपको एक वीडियो दे दी जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके यूजफुल जो आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में आ रहे हैं आजकल के, उस टाइप के क्वेश्चंस, और जो अवार्ड्स हुए होंगे जितने भी आपका विनर टीम कहीं रही होगी, जैसे मैंने आपको 2018 का पेपर डिस्कस किया था उसमें बताया था कि क्रिकेट मैच वाला पूछा गया था क्वेश्चन, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी एक 2-3 वीडियोस आपको बना के दे दूंगी मैं, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वो सबकी वीडियो दे दूंगी, वो हम बाद में देख लेंगे सब कुछ, जो भी उस वक्त की अपडेटेड होगी ना उसके हिसाब से मैं आपको वो वीडियो दे दूंगी करंट अफेयर की। अभी से वो सब याद करने का कोई फायदा नहीं है कि अभी किसको अवार्ड मिला किसको अवार्ड नहीं मिला, कौन चेयरमैन बना कौन नहीं बना, वो 6 महीने में सब बदल जाएगा। तो ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पूरा पेपर का जो है आपका टॉपिक वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस जो मैंने किया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया या कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर करूंगी। और हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लिश में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इसका आंसर है टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो जब मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगी मैं तब वो आपको बता दूंगी क्या क्या होते हैं। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको पता चला कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड होपफुली मैं अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो अपना फिजिक्स या मैथ्स का कुछ स्टार्ट कर दूंगी, और आज ही शायद मैं आपको एक दूसरी वीडियो अपडेट दे दूं जिसमें हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन से ही शुरू करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एंड था इस वीडियो का, एंड मैं इस वीडियो को हैंड करती हूँ। प्लीज़ आप इसको, ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल अगर आपको लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।